उस समय भोपाल में एक भारत भवन है वहाँ पे थिएटर करता था, वर्कशॉप कर रहा था। मेरे पिताजी रोज़ 8 किलोमीटर साइकिल में मुझे बिठा करके लाते थे भारत भवन। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी कि मैं 12th में हूँ और मेरे पिताजी मुझे, और वो मानते भी नहीं थे, बोलते थे नहीं पीछे बैठो। उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा समोसा खाओगे? मैंने कहा हाँ। और वहाँ एक कमला पार्क है तो वहाँ पे मैं और मेरे पिताजी समोसे खरीद के लाए और मैं और मेरे पिताजी बैठ करके कमला पार्क में हम दोनों समोसे खा रहे थे और कुछ बातें की हमने। उससे अद्भुत क्षण पिताजी के साथ मैंने कभी नहीं बिताया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जेनेटिकली आपको मिलती हैं अपने पिताजी से और उसके आप हमेशा पूरे जीवन रेडी रहते हैं। वो कहीं भी जाते थे तो वो अपनी सारी डिग्री बताते थे वो अपना परिचय डिग्री से देते थे। जब भी मैं उनके साथ जाता था बोलता डैडी क्या आप परिचय देते रहते हैं कि मैंने ये किया, बोलते मुझे कौन जानता है, तो जब तक मैं बताऊँगा नहीं तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, उसके बाद हम एक स्तर पर आके बात कर पाएंगे। मेरे पिताजी फौज में थे तो हमारे पास एक घर में साइकिल थी, तो क्या होता था कि पिताजी ऑफिस चले गए, डैडी ऑफिस चले गए और मैं साइकिल लेकर के, जाहिर चलाना तो दूर की बात है, मैं किसी तरह उसको घसीटते हुए घर से दूर ले गया और एक भैया थे उनको मैंने बोला कि, उन्होंने बोला मैं चलाऊँ, मैंने कहा, और पिताजी डैडी ने वो देख लिया और डैडी साइकिल पर बैठे और मुझे बोला भागो नहीं तो साइकिल चढ़ा दूँगा, और मैं सड़क पे रोते हुए भाग रहा हूँ, डैडी मुझे साइकिल लेके आ रहे हैं। फिर डैडी जब घर आए तो थोड़ा डांटा, उसके बाद हंसी मजाक हो गया। डैडी से शुरू में इनिशियली बहुत डरता था और इसी वजह से मैं बड़ा होकर थोड़ा अच्छा बच्चा बन गया। वही भय था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, घर की इमेज ना ख़राब हो जाए, और उसके जिम्मेदार पिताजी थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे।